हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि राजस्थान में अलग अलग तरह की बाटियाँ बनाई जाती हैं, तो आज हम राजस्थान की प्रसिद्ध मटर मसाला बाटी बनाने जा रहे हैं और ये बाटी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होने वाली है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है और एक कटोरी मटर लिए हैं और इनको ग्राम में नापें तो 200 ग्राम के आसपास मैंने मटर लिए हैं। और अब डाल देंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ले लिया मैंने 4 से 5 हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। और इसके बाद में 2 से 3 टोप अदरक डाल दिए हैं। और अब डालेंगे पानी, तो पानी मैंने सिर्फ 2 चम्मच के आसपास पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब इनको ग्राइंड कर लेंगे सभी चीज़ों को। तो सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने बारीक पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा सा ही पीसा है मटर को। तो इसी तरह का पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है। अब यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा डाल देंगे, जो रोटी बनाते हैं ना वही आटा लिया है मैंने। और ग्राम में नापें तो ये आटा 300 ग्राम के आसपास है। और अब डाल देंगे 1 कटोरी बेसन, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बाटियों के अंदर। और अब डालेंगे 1/4 कटोरी सूजी। सूजी डालने से जो हमारी बाटियाँ हैं वो खुली खुली बनती हैं, क्योंकि गेहूं का आटा और बेसन का आटा बहुत ही बारीक होता है। गाँव में पहले मोटा आटा पिसवाया करते थे बाटियों के लिए। और अब 1 चम्मच हाथों शेकर्स करके अजवाइन डाल देंगे। और अब डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो काला काला रंग आ जाता है बाटियों का। और अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पर लिया है मैंने कसूरी मेथी, हाथों शेकर्स करके डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बाटियों के अंदर। और अब डाल देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं तो आप इनो डाल सकते हैं, 1/2 पैकेट। और अब यहाँ पर डालेंगे घी, तो घी को मैंने गरम कर लिया है ताकि घी का पता चले। अब जो हम चावल वगैरह खाते हैं वही चम्मच लिया है मैंने, तो 10 चम्मच भर करके घी डाल देंगे। और घी को ग्राम में नापें तो 50 ग्राम के आसपास घी मैंने डाला है। और अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो मिक्स मैंने कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह का मोइन होना चाहिए, यानी कि मुट्ठी बननी चाहिए। तो मोइन एकदम से सही है। अब जो हमने मटर पीस कर रखे थे तो वो डाल देंगे। तो अब मटर वाले पेस्ट को एक बार मिक्स करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि पानी की कितनी ज़रूरत होगी। तो 2 चम्मच मटर पीसते समय पानी डाला था, तो मैंने मटर को मिक्स कर दिया है। और अब मिक्सर जार के अंदर मैंने पानी लिया है, 1/2 कप के आसपास मैंने पानी लिया है। तो डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, तो कितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 1/2 कप के आसपास मैंने पानी डाला है, तो 50 ml के लगभग पानी यूज हुआ है। तो पानी आप कितना आटा ले रहे हैं, कितना मटर ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपका पानी यूज होगा। तो आटा ना ज़्यादा टाइट लगाना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, बीच का सा आटा लगाकर तैयार करना है बाटियों का। तो आटा मैंने अच्छे से लगा लिया है और अब ऊपर घी लगा करके फिर से मैंने आटे को मसल लिया है। अब आटे की गोली तोड़ के तैयार कर लेंगे। जैसी भी आप बाटियाँ बनाते हो, बड़ी या छोटी, आप अपने हिसाब से गोली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीच के से गोली तोड़कर तैयार कर ली है और अब इसकी बाटियाँ बना लेंगे। इस तरह से सेट कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। इस तरह से चपटा करने के बाद में इसके ऊपर घी लगाएंगे गरम गरम। ये इसलिए लगाएंगे कि ताकि जो हमारे अंदर से जो बाटी है वो कच्ची ना रहे, अच्छे से पक जाए। और घी लगाने के बाद में मैंने सूखा आटा, गेहूँ का आटा लगा दिया है। और अब बाटी को इस तरह से बंद कर देंगे, जैसे हम कचौरी का मुंह बंद करते हैं ना, वैसे ही इस बाटी का मुंह बंद कर देंगे इस तरह से और अच्छे से सेट कर देंगे। तो बाटी को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, तो इसी तरह से सभी बाटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बाटियां मैंने बना ली हैं, तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई पहले ही रख दी थी और कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब यहाँ पर मैंने जाली की परात टाइप ले ली है और ये नीचे टच नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी टच हो रही हो तो आप नीचे कटोरी वगैरह या फिर स्टैंड रख सकते हैं। अब सभी बाटियों को जाली के ऊपर रख देंगे और ध्यान इस चीज़ का रखिए कि जो जाली वाला बर्तन क्या है, इसके मैंने घी लगा लिया था पहले ब्रश की सहायता से, ताकि बाटियां हमारी चिपके नहीं। और बाटियों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि आपस में चिपके नहीं। तो बाटियाँ मैंने सभी रख दी हैं। अब ढक्कन लगा देंगे और इन बाटियों को लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम 15 से 16 मिनट तक के लिए पकने देंगे। तो बाटियों को पकते हुए कम से कम
15-16 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ा थोड़ा क्रेक आ गया है बाटियों के ऊपर, और अब ये बाटियाँ सूख चुकी हैं तो ऊपर बर्स की सहायता से घी लगा देंगे सभी बाटियों के ऊपर। अगर आपके पास ऐसा ब्रश नहीं है तो आपको क्या करना है, कॉटन की सहायता से यानी रुई की सहायता से इनके ऊपर घी लगा सकते हैं। अगर आप चम्मच से घी लगाएंगे तो वो घी कढ़ाई के अंदर जाएगा, जाली के अंदर हो करके कढ़ाई में से धुआं धुआं निकलने लग जाएगा और कढ़ाई आपकी ख़राब हो सकती है। तो सभी बाटियों को मैंने पलट दिया है और नीचे जो पलटी थी ना उस साइड भी घी लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं आधी से ज़्यादा ये नीचे की साइड से पक चुकी हैं। तो सभी बाटियों के ऊपर मैंने घी लगा दिया है और फिर से ढक्कन लगा देंगे और इनको फिर से 15-16 मिनट तक के लिए पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो इनको पकते हुए दूसरी साइड 15-16 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड से अच्छे से पक चुके हैं। तो अब सभी बाटियों को टेढ़ा खड़ा कर देंगे इस तरह से। तो जहाँ से हमारी बाटियाँ नहीं सीखी हैं वहाँ से सभी बाटियों को अच्छे से सेकना है, और कढ़ाई बहुत गर्म है तो सावधानी से इनको पलटना है। तो सभी बाटियों को मैंने खड़ा कर दिया है और अब ढक्कन लगा देंगे और फिर से इनको पकने देंगे। तो बीच बीच में काम करते रहेंगे और बाटियों को संभालते रहेंगे और फिर से चेक करेंगे। तो जहाँ से ये नहीं सीखे हैं वहाँ से हम फिर से इनको सीखने देंगे। तो इसी तरह से सभी को घुमा देंगे और फिर से ढक्कन लगा देंगे और दोबारा बाटियों को पकने देंगे लो टू मीडियम पर। तो सभी बाटियों को अच्छे से सीखने देंगे। तो बाटियां हमारी सीखकर तैयार हो गई हैं और बाटियों को सीखने में कम से कम 1 घंटा लग चुका है। तो बाटियां हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई हैं और बहुत ही हेल्दी हैं ये। तो हम लोग इन बाटियों को घी में डुबोकर खाते हैं या फिर इनका चूरमा बना करके खाते हैं या फिर दाल के साथ खाते हैं। घी के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो सभी बाटियों के अंदर जो क्रेक है इनके अंदर घी अच्छे से चला गया है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। अगर आप घी पसंद नहीं करते हैं तो इन बाटियों को चाय के साथ या फिर दही के साथ खा सकते हैं। आप ये बाटी बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।